शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। डॉक्टर मल्होत्रा हैं? जी। फायदा हो तो रहा है डॉक्टर राय, मेरे ख्याल से आप वही ट्रीटमेंट जारी रखिए। उन्हें भेजो अंदर। अगर आप प्लास्टर निकाल भी देंगे तो अब कोई हर्ज नहीं होगा। जी ठीक है। बैठो। लखनऊ से आ रही हो? जी नहीं, कुल्लू से। मगर नर्स की ट्रेनिंग तो तुमने लखनऊ में ली है। जी हाँ, इम्तिहान देते ही मैं कुल्लू चली गई थी, वहीं मुझे आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिला और मैं फौरन चली आई। अच्छा अच्छा, हमको एक अच्छी नर्स की जरूरत थी इसलिए हमने तुमको चुना। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बताना ना होगा कि एक नर्स की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। गुड, वेरी गुड। नर्स की ट्रेनिंग में तुम अव्वल आई हो। ये तुम्हारा सर्टिफिकेट है, ये तुम्हारे सिफारशी खत, काफी है। मगर इसके अलावा मुझे तुम्हारे बारे में और कुछ नहीं मालूम। जी, कुल्लू के पास एक छोटा सा गांव है धर्मपुरा, वहीं की रहने वाली हूँ मैं। कसौली में मेरे पिताजी डॉक्टर थे। डॉक्टर? जी, वो बहुत बड़े डॉक्टर थे, लेकिन मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि उनमें एक कमजोरी थी, शराब पीने। एक बार नशे की हालत में उनसे एक अर्जेंट केस का ऑपरेशन बिगड़ गया। बीमार ने ऑपरेशन टेबल पर ही दम तोड़ दिया। पिताजी ने जाना कि जैसे उन्होंने अपने बीमार को खुद ही कत्ल कर दिया है। अपनी इस कमजोरी का उन्हें इतना दुख हुआ कि वो सह ना सके। उसी शाम अस्पताल से लौटते हुए उन्होंने अपने आप को पहाड़ के नीचे गिरा दिया। माँ जी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी
उनका दिमाग बहक गया और एक दिन वो अपने पति को हजारों फुट गहरे खड्ड में से निकाल लाने के लिए कूद पड़ी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, नहीं बन सकी, नर्स बन गई। तुम बहुत बहादुर लड़की हो। ड्यूटी कब से ज्वाइन करना चाहती हो? आज से, इसी वक्त से। वेरी गुड। करेला वो भी नीम चढ़ा। ठीक है, माइनस ओके मैं। क्या खा रही हो? कुछ मुंह में क्या है तुम्हारे? मुंह खोलो। दीदी पेपरमिंट मेट्रिन। शीला ने दी। शीला, आप भी खाएंगे मेट्रिन? ये पेपरमिंट खाने की जगह है? जाओ अपनी ड्यूटी पर। और तुम क्या नाम है तुम्हारा? करुणा। मैं इनसे पूछ रही थी, तुमसे नहीं। करुणा बड़ी शर्मीली है ये। तब तुम्हारी तरफ बेशर्म थोड़ी हो सकती है। खामोश, तुम्हारी ड्यूटी जनरल वार्ड में होगी। जी अच्छा, जाओ अपनो, जाओ जाओ ड्यूटी पर। शीला, यस मैडम। करुणा को जनरल वार्ड में ले जाओ, मैं अभी आती हूँ। यस मैडम। अस्पताल में आया था, मगर ऐसा मालूम होता है कि एक ही टांग लेकर वापस जाऊंगा। अब आप भी अजीब रोनी सूरत है, जब देखो टांग ही का रोना रोते रहते हो। जरा गिरधारी को देखो, पेट में कैंसर है, कैंसर। आज इतना खतरनाक ऑपरेशन, लेकिन देखिए कभी जुबान पर उफ तक नहीं लाते। कुछ हंस के मरते हैं, कुछ रो के मरते हैं, अपनी अपनी जबान है प्यारे, क्यों रहीम बख्श। सच कहते हो गिरधारी भाई। एंड हाउ आर यू मिस्टर गिरधारी? गुड आफ्टर दोपहर मैटर्न। आई एम वंडरफुल, बट सो मेनी टाइम टोल्ड यू आई that don't use mister with my name simple state Girdhari. All right. Oh, nurse this new? हाँ, आज ही ड्यूटी पर आई है। Oh, wonderful, wonderful. अरे आमा भाई रेमबक, देखो भाई आज ही आई है ड्यूटी पर। फिदाए बंदे की लाइन तहा मालूम होती है कि मुझको हर हसीन सूरत खुदा मालूम होती है। खामोश खामोश, इन्हें जल्दी से स्पंज करके तैयार करो, इनका ऑपरेशन है। जी तैयार हो जाओ गिरधारी। मैटर्न ऑलवेज रेडी, एवरी टाइम एवर रेडी बैटरी। घबराना नहीं है? नो घबराट, नो घबराना, नो फियर, नो अफ्रेड। डेथ मस्ट कम वन डे। मौत से क्या डरना, अरे डर तो जिंदगी से लगता है, क्यों ना। एक जमाना था कि दरिया की मौजों में नहाया करता था मैं, और आज फ्राई पैन में। वाह वाह, रेडी। <Ready. laughs>
ये क्या कर रही है? जब मुझे गुदगुदी होती है, गुदगुदी, यू यू टी कॉल मी है। पहले कभी स्पंज नहीं कराया क्या? स्पंज तो कराया पहले, मगर गुदगुदी ऐसी नहीं चल रही आज वाली है। बोल दिया अपन को नहीं पीना दवा। तुमको पीना पड़ेगा। खाली पीली मस्तक मत फिराओ। बड़ी आई दवा पिलाने वाली, जैसी सूरत है वैसी कड़वी दवा लेके आती है। पियो। बोल दिया नहीं मंगता। नथू। अबे ओ नथू के बच्चे, क्या शोर मचा रखा है? दवाई क्यों नहीं पी लेता चुपचाप? गिदारी तू चुप रहे, मेरे मामले में खाली पीली जगह जगह तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। नथू चुप। बड़ा आया नसीहत करने वाला। अबे गाली देता। अबे तुम शांत रहो। अबे चुप, अपनी फिक्र कर बेटा, अभी घड़ी भर में तेरा ऑपरेशन होने वाला है। मेरे हाथ से काय को मरना चाहता है? वही ऑपरेशन टेबल पे मरना। हाँ। अबे जा जा, मेंढकियों की बददुआ से कभी सांड मरा है? और अगर मैं मर भी गया तो याद रख बेटा, भूत बनकर तेरे सर पर सवार रहूंगा। साफ करो जी। अबे जा, हटे यहाँ से। ये ऐसे नहीं मानेगा। शंकर दवाई ले आओ। गोपाल इधर आओ, पकड़ो इसे। अबे छोड़ छोड़ ना, क्या करता? ना छोड़, कीप क्वाइट। शाबाश। और पिला दवाई। ठहरो, मैं डॉक्टर मल्होत्रा से रिपोर्ट करूंगी। जा जा, रिपोर्ट कर दो। बड़ी आई रिपोर्ट करने वाली। हसीनों का वजन पूछा जा रहा है। पेशेंट तैयार है जी? ओ नहीं नहीं, अभी नहीं जी। आपने कैसे बोल दिया जी? अभी तो मेरी जुल्फे बनेंगी हैं। जरा चेहरा करीब लाओ। नहीं तो अच्छा तुम बना दो। चलो। अरे देख कर आईना हैरत हो गई, मेरी सूरत उनकी सूरत हो गई। आओ भाई आओ, चलो। लोहे के पलंगों पर हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले अस्पताल, हम तो सफर करते हैं। टप टप। क्या बात है? जाते हुए विदाई तो ले लूं? अच्छा दोस्तों, हम तो ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं, जिंदा रहे तो फिर मुलाकात होगी, नहीं तो राम राम। राम राम भैया। खुदा हाफिज। गिधारी भैया धोखा ना दे जाना, हमें तुम्हारा इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज, खुदा तुम्हें सलामत रखे। नथू। अबे ओ नथू। राम राम। राम राम। राम फाइन सर्जन डॉक्टर वर्मा, मौत के मुंह से छीन लिया मरीज को,
वाह, कितना जल्दी चलता है आपका। Yes, please. ये घड़ी किसकी है? ओह, ये तो डॉक्टर वर्मा की है। प्लीज करो ना, जाके दिया। डॉक्टर, डॉक्टर, ये आपकी घड़ी, आप वॉश बेसिन पे भूल आए थे। मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा, नहीं आई हो क्या? जी हाँ, आज ही आई हूँ। आज ही मैंने ड्यूटी ज्वाइन की है। क्या नाम है तुम्हारा? करुणा। मेरा नाम है डॉक्टर डॉक्टर वर्मा। ये कहीं टूट जाएगा, ये कहीं फूट जाएगा, शीशा है दिल।
के दरिया का गहरा पानी है, न डूब जाओ कहीं बेखबर जवानी है, जवां बहार किनारों पे आनी जानी है, जरा ख्याल रहे दिल का जब निशानी है, अभी तो प्यार की दुनिया तुम्हें बचानी है, अभी तो प्यार की दुनिया तुम्हें बचानी है, ओ, 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 ओ शीशे दिल इतना ना उछालो, शीशे दिल इतना ना उछालो, ये कहीं टूट जाएगा, ये कहीं टूट जाएगा, शीशे दिल इतना ना उछालो। की कौन होती है? बहन। ओ माँ, मैं मर गई। अरे क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ बेटा? मैं मर गई। कुछ नहीं, जरा सी चोट लग गई है। माँ, मेरी टांग टूट गई। क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा सी खरोंच लग गई है और इतना चोट मचा गई। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, मुन्नी ने गिर पड़ी, जरा सी खरोंच लगी है टांग पर तो हर सोहा मचा गई। बड़ी बात हो रहा है माँ, जरा मुझे तौलिया तो देना। रामू भी अजीब है, तौलिया रखना हमेशा ही भूल जाता है। भूलने में मेरा बेटा सुशील भी कुछ कम नहीं। अरे रामू भूल गया तो तू तो ले लिया कर तौलिया, ले। माँ ने जरा कपड़े भी निकाल देना। अच्छा। नहीं नहीं नहीं, मैं टीचर नहीं लगाऊंगी, नहीं, मुझे टीचर नहीं चाहिए। दूध में उफान आ गया, दूध गिर रहा है, दूध में उफान आ गया, दूध गिर रहा है। ये दूध उबला जा रहा था, मैंने बर्तन उतार दिया। अच्छा किया, हाथ तो नहीं जला बेटी? क्या बात है मुन्नी, कहाँ लगी चोट? देखूं तो, घाव तो बहुत गहरा है। बुद्धू, खामखा शोर मचाती है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग नर्स, तुम शायद मेरी माँ से पहली दफे मिल रही हो। जी हाँ माँ, ये करुणा है, नर्स बनकर हाल ही में अस्पताल में आई हैं। जीती रहो बेटी, बैठो। नहीं, मैं बना लूं। कहाँ की रहने वाली हो तुम? कुल्लू के पास एक छोटा सा गांव है धर्मपुरा, वहीं की हूँ मैं। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? जी, मेरे पिताजी नहीं हैं। माँ तो होगी? वो भी नहीं है। ओह, भाई बहन कोई तो होगा? जी कोई नहीं, मैं अकेली हूँ।
बिल्कुल अकेले? हाँ, दूर के रिश्ते की एक मौसी है गांव में। जब तुम्हारी तबीयत न लगे, ड्यूटी से छुट्टी मिले तो यहाँ आ जाया करो बेटा, मैं भी दिन भर अकेली रहती हूँ। माँ, ये क्या दो मुझे दो रंग के दे दिए? क्या ये नहीं पहनकर अस्पताल जाऊं? कहती तो हूँ मुझसे तेरा काम नहीं होता, अब तू शादी कर ले। मैं डॉक्टर हूँ माँ, शादी करके क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद करने को कहती हो? रहने दे, जैसे डॉक्टर लोग शादी ही नहीं करते, गृहस्थी ही नहीं चलाते ना। वो तो उनकी औरतों से पूछो जो हर वक्त अपना सर पकड़कर भगवान को कोसती रहती हैं। अरे धोबी फिर बटन तोड़ लाया। बस बस बहुत हुआ सुशील, अब ले आए दुल्हन। कहाँ से लाऊं? दुल्हन क्या बाजार में मिलती है वहाँ? बाजार में क्यों, हुसन जो है। अरे बाप रे, इतने बड़े घर की बेटी लाओगी माँ तो मेरी तो हयामत हो जाएगी। रामू जी, मैं थोड़ा गर्म पानी ले आ चाय के लिए। जी बहुत अच्छा। लाइए माँ जी, मैं पिरो दूँ। ले बेटा तू ही पिरो दे, मेरी आंख से तो बराबर दिखता नहीं। और ये बटन भी तू ही डाल दे। जी आज लाला जी की चिट्ठी आई थी कश्मीर से। अच्छा, सब कुशल तो है? हाँ सब कुशल। मैं तो यही कहूंगा कि जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। वल्लाह क्या फरमाया है अजी, जिसे मरना नहीं आया उसे कुछ भी नहीं आया। उसी दिन की बात को ले लो गिरधारी भैया, आप ही की मिसाल। जब आप ऑपरेशन करवाने जा रहे थे, वल्लाह वल्लाह क्या बात थी आपके चेहरे पर अजी, जुबान पे मजाक था, होठों पे मुस्कुराहट थी, और मैंने अपने आप से कहा देख देख ओ रहीम बख्श देख, एक ये बहादुर है जो हंसता मुस्कुराता हुआ ऑपरेशन टेबल पर जा रहा है। और एक आप है, जरा सी दिल की बीमारी क्या हुई कि घर छोड़कर अस्पताल में घर बना लिया है, हैं? और गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं हाय दिल हाय दिल हाय दिल। भाभी नमस्ते। नमस्ते भैया। तुम क्या जानो हसीना, अरे तुमसे दूर घर से दूर तुम्हारी जुदाई में मेरा क्या हाल हो रहा है यहाँ। सच कहता हूँ दिल पे आ रहे चलते हैं। भाभी सच कहता है बेचारा, देखो ना इसकी हालत सूख कर कांटा हो गया है, जब यहाँ आया था तो तुम्हारे जोड़ का था। हाँ भैया, खुदा इनको तंदुरुस्ती दे, मेरे जैसे सेहत बच्चे। आज क्या लाई हो भाभी? इनके लिए खाना और भैया आपके लिए ये कबाब लाई हूँ। कबाब? भाभी मैं कबाब कहाँ खाऊंगा, मेरे तो खुद पेट में से एक कबाब बन रहा है, दो बार ऑपरेशन हो चुका है भाभी, डॉक्टर लोग कबाब तो बाहर निकाल देते हैं मगर सीख वहीं के वहीं रह जाती है। सीख गिरधारी भैया, ये कौन सी बीमारी है? कैंसर। कैंसर? ये क्या बीमारी होती है भाभी? ये एक थोड़ा होता है जो कभी ठीक नहीं होता। कौन कहता है? मैं कहता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारा ऑपरेशन कामयाब हो गया गिरधारी, अब तुम धीरे धीरे अच्छे हो जाओगे। मगर मिस, कुछ ऐसे जाहिल लोग भी होते हैं जो ठीक तो होना चाहते हैं मगर दवाई नहीं पिएंगे। गिरधारी अबे जा जा, रस्सी जल गई मगर बल ना गया है। गिरधारी बातें बहुत करते हो तुम, कुछ दिन ठहर जाओ बस, बिल्कुल बातें नहीं करूंगा हमेशा के लिए, चुप। ले जाओ। कैसी तबीयत है? तबीयत को क्या हुआ? सुबह टेम्परेचर लिया था। वो लिखा है उधर, दिखता नहीं तुमको? लो क्या है ये दवा? नहीं मांगता।
नहीं मांगता। लो पी लो। बोल दिया नहीं मांगता अपन को, कड़वी दवा हटाओ। अरे ये ऐसे दवा नहीं पियेंगे, इनके हाथ पैर पकड़ने पड़ेंगे। आओ गोपाल। नहीं, हाथ पैर पकड़ने की कोई जरूरत नहीं। अगर मेरे मुंह पर दवा फेंकने से तुम्हें खुशी होती है तो लो इसे भी फेंक दो मेरे मुंह पर, सारी दवा फेंक दो मेरे मुंह पर, लेकिन जब तक तुम दवा पी नहीं लोगे मैं यहां से नहीं जाऊंगी। लो। क्या है नर्स? सॉरी डॉक्टर, गिरधारी को बहुत तकलीफ है इस वक्त। अच्छा? दर्द के मारे तड़प रहा है, सारी रात नहीं सो सका। डॉक्टर बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो। नहीं तो बात बहुत करते हो गिरधारी, आराम किया करो। डॉक्टर तुम कहते हो कि आराम करो और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि आराम आराम है। बहुत दर्द है। अब तुम्हें इंजेक्शन दे दिया है, नींद आ जाएगी। नींद आ जाएगी, नींद आ जाएगी। सोने की कोशिश करो गिरधारी। नर्स डॉक्टर कहता है कि आराम करो और पंडित नेहरू कहते हैं कि आराम ये स्टोव क्यों जल रहा है? पानी उबल रहा है। आप कॉफी पीजिएगा? क्यों तकलीफ करती हो? अभी बन जाएगी।
अच्छी है। क्या? कॉफी। आप क्या देख रहे हैं? तुम्हें। अब तक तुम कहाँ थी? यहीं थी, हॉस्पिटल में। नहीं, मेरा मतलब है इस अस्पताल में आने से पहले कहाँ थी? पढ़ रही थी। घर से दूर इस नई जगह में तुम्हारा दिल तो नहीं घबरा था? नहीं, ये जगह तो बहुत अच्छी है। मैं हमेशा से नर्स बनना चाहती थी। नर्स अच्छी हो। क्या कर रही हो? बैठी हूँ। बैठी हो? अगर एक मौज जोर की आ गई तो जानती हो क्या होगा? डूब जाऊंगी। डूब जाओगी। और जानती हो डूब जाओगी तो क्या होगा? मर जाऊंगी। और जानती हो मर जाओगी तो क्या होगा? क्या होगा? आओ, तुम्हारे करीब मरने और जीने में कोई फर्क नहीं? क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। क्या? इतना ही फर्क है जितना किसी चीज के पाने या खो देने में। खोने का नाम मौत और पा लेने का नाम जिंदगी। जी अच्छा, मगर मेरी समझ में नहीं आता माँ कि लाला जी अचानक बीमार कैसे पड़ गए। दिल के मरीज का बेटा बीमार पड़ने का क्या कोई नियम होता है? मगर माँ पिछले हफ्ते ही तो उनका खत आया था। आओ बेटा, आप लोग कहीं जा रहे हैं माँ जी? हाँ बेटा, कश्मीर। बैठो। लाला बसंतराय बहुत बीमार है, उन्हें दिल का दौरा उठा है। लाला बसंतराय कौन? हमारे एक रिश्तेदार हैं, सुशील के पिताजी के मरने के बाद उन्होंने हमारी मदद की। सुशील को पढ़ाया लिखाया, विलायत भेजा। उन्हें दिल की शिकायत है, दौरा उठा है। लो ये चाय लो नर्स। लो माँ तुम भी लो। कब तक लौटिएगा? यही कोई चार पांच रोज में लाला जी को देखकर लौटाएंगे। आठ दस दिन भी लग सकते हैं बेटा, इतनी दूर जा रहे हैं, वो लोग जल्दी थोड़ा ही लौटने देंगे। दस दिन तो लग ही जाएंगे। तुम भी हमारे साथ चलो ना दीदी। माँ, भैया दीदी को भी ले चलो ना। टैक्सी वाला जल्दी कर रहा है साहब। बस अभी चलते हैं। अरे हाँ करो ना, तुम्हें कुछ चाहिए कश्मीर से? हाँ नर्स, तुम्हें कुछ मंगवाना हो तो कहो, हम लौटते हुए लेके आएंगे। मैं क्या बताऊं, क्या क्या मिलता है कश्मीर में? क्या नहीं मिलता कश्मीर में, वहां तो सभी कुछ मिलता है।
कश्मीर को लोग स्वर्ग कहते हैं। अच्छा, स्वर्ग में क्या क्या मिलता है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। अच्छा, मैं ले आऊंगी तेरे लिए कोई चीज देखकर। जी अच्छा, चलो बेटा, देर हो रही है। हाँ, मैं 5:30 बजने को आए, एयर रूम में पहुंचने में तो देर लगी। अरे ये शॉल से रही गई। अरे आपने और गर्म कपड़े भी ले लिए हैं ना? आपको वात की शिकायत है। हाँ बेटी, चलो अपना ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ। अच्छा हुआ। जीता रहो जीता रहो जीता रहो बेटा। हेलो गुस्सा। हेलो सुशील। लाला जी, आप यहाँ बस स्टैंड पर, आपकी तबीयत खराब थी ना? मेरी तबीयत तो, मेरी तबीयत तो क्या हुआ? नमस्ते भाई साहब। मगर माँ वो बेटा बात ये है। ओ हाँ, असल में बात ये थी कि तुमसे मुलाकात किए हुए बहुत दिन हो गए थे, और तुम तो जानते ही हो कि मैं दिल का मरीज हूँ। दिल का क्या ठिकाना है, कभी भी बैठ जाए। वैसे तो तुम्हें कई बार लिखा, लेकिन तुम हमेशा आने से टालते ही रहे। चलो अच्छा हो गया, अब तो कुसुम भी बड़ा अच्छे वापस आ गई है। क्यों बहन जी? हाँ भाई साहब, मैं तो ले आई इसे यहाँ। अब आप जाने। आपकी कोठी तो बड़े अच्छे मकाम पर है लाला जी। तभी तो कहता हूँ बेटा, रिजाइन करके यहीं चले आओ। यहाँ इतनों को जानता हूँ बहन जी कि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस जमा दूंगा, और आखिर ये इतनी बड़ी कोठी किसके काम आएगी बेटा? मैं रिजाइन नहीं कर सकता, मैं अस्पताल नहीं छोड़ सकता। ये हमारी बात थोड़े ही मानेगा, शादी हो जाने दीजिए, कुसुम ही मनाएगी इसे। ये देखिए बहन जी, शादी के इनविटेशन कार्ड कैसे? बहुत अच्छे हैं। सुशील तुम भी देखो। आखिर शादी की ऐसी जल्दी क्या है? बात यह है बेटा कि मेरा कुछ ठिकाना नहीं, और मैं चाहता हूं कि मरने से पहले कुसुम का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूं। हाँ बेटा, ठीक ही तो कहते हैं भाई साहब। अच्छा माजी, मैं चली। शादी नहीं होगी माँ। क्या क्या कह रहा है तू? मैं कुसुम से शादी नहीं कर सकता।
ये तुमने अच्छा नहीं किया माँ, जो लाला जी की बीमारी के बहाने मुझे धोखा देकर यहाँ ले आई। शादी के मामले में छल कपट कभी अच्छा नहीं होता। छल? छल कपट कैसा बेटा? ये शादी नहीं होगी। ये शादी होगी, ये मत भूल सुशील, हमारा रोम रोम लाला जी के हाथों बिका हुआ है। तेरे पिताजी के बाद लाला जी ने तुझे पढ़ाया लिखाया, विलायत भेजा और डॉक्टर बनाया। ये सब उन्होंने इसीलिए किया कि वो तुझे अपना दामाद बनाना चाहते थे। मैंने उन्हें शुरू से वचन दिया हुआ है, मैं अपना वचन निभाऊंगी, ये शादी जरूर होगी बेटा। ये शादी नहीं होगी माँ, कल सुबह हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। सुन ले सुशील, मैं कह देती हूँ, धन को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस घर से मेरी अर्थी ही निकलेगी। कितना बुखार है नर? बिल्कुल नॉर्मल है। मैं नॉर्मल हो गया? 3 दिन से टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, अब तुम घर जा सकते हो। घर? मगर मैं तो कुछ दिन यहाँ और रहना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि घर के नाम से इसको बुखार चढ़ जाता है। लेकिन अब तो ये अच्छे हो गए। हाँ हो तो गया है, मगर बीवी और घर की याद अगर तुम इसी तरह दिलाती रहोगी तो इसको फिर बुखार चढ़ जाएगा। इसको बीमारी बीमारी कुछ नहीं है, ये तो बीवी के डर से बुखार चढ़ाता है अपने आप को। हाँ बड़ा ही नर्वस टाइप का आदमी है। ज्यादा बातें ना करो, डॉक्टर ने मना किया। डॉक्टर को कहो फिर मेरी जबान काट दे। तुम मुझे ही कहती हो ना। तुम आज जा रहे हो नथु? हाँ नर्स, आज अपन कुछ जाने को है। रहीम बख्श, फरमाइए। 3 किस्म के मरीज आते हैं अस्पताल में। कौन कौन से जगारी भैया? एक शेर की तरह बहादुर जैसे के मैं। हाँ बिल्कुल। और एक चूहे की तरह डरपोक जैसे के तू। ये भी ठीक है। और एक भैंसे की तरह जंगली जैसे। इसको बोलने दो नर्स, इसको रोको मत, अपन इसको बहुत गाली दिया। अपन सचमुच जंगली भैंसा है, भैंसा नहीं कुत्ता, पागल कुत्ता। छनर्स अपन जाता है, तुम लोग का बहुत याद आएगा। अपना ख्याल रखना नथु। पर बहुत धमाल किया भैया, इधर माफी मांगता पर।
गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर। किस बात के लिए? शादी के लिए? जी। थैंक्स। माँ तुम्हें याद कर रही थी, कश्मीर से तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई है। अच्छा? तुमने पूछा नहीं क्या? क्या? तुम बताओ क्या हो सकता है वो? दुल्हन। ठीक है, मगर डॉक्टर पार्टी कहाँ दी जाए? मैं बताऊँ, रात में वोटिंग के लिए क्यों ना चला जाए? मूनलिट नाइट भी है, पार्टी बोर्ड फ्री हो जाएगी। गुड आइडिया। वंडरफुल है डॉक्टर। डॉक्टर वर्मा कश्मीर से शादी करके आए हैं ना, हम सब उन्हें एक पार्टी दे रहे हैं बोर्ड पर। चलोगी ना? मजा आएगा। ये बाजा ही बजता रहेगा कि गाना भी होगा? हाँ भाई, ऐसे खुशी के मौके पे तो गाना होना ही चाहिए, और तुम लोग कोई गाने को तैयार ही नहीं, ये ठीक नहीं। देखिए मैं तरकीब बताती हूँ। ये कोरे कागज की मैंने पुड़िया बनाई है, और ये पुड़िया पर बिंदी लग रही है। बिंदी वाली पुड़िया जिसके हाथ लगेगी उसे गाना पड़ेगा। क्यों, मंजूर है? लीजिए डॉक्टर, आप बांध दीजिए। मैन इज ब्लैंक। ये भी खाली है, ये भी खाली तो है। नथिंग है। सेम हियर। नथिंग हियर। करुणा 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 हाँ हाँ करुणा, शर्माओ नहीं। Thank you.
के तुम्हें के तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक है तुम्हें के तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो के सबसे दूर हो गए। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिले है कौन सी ना वो समझ सके न हम। किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। अजीब दास्ता है ये, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिले है कौन सी ना समझ सके न हम। भैया 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 देखो, भाभी ने नया पर्दा लगाया है, इधर देखो नई कुर्सियां, नया सोफा, नई मेज, सारा फर्नीचर नया है, बिल्कुल ठगासक है, कितने अच्छे पर्दे हैं ना भैया। पसंद नहीं आया फर्नीचर? फर्नीचर तो अच्छा है पर हमारे इस छोटे से घर में अस्पताल का वो पुराना फर्नीचर ही ठीक था। कितना गंदा था वो पुराना फर्नीचर, मैंने उसे बाहर रखवा दिया और हॉस्पिटल के हेड क्लर्क से कहा कि इसे यहाँ से ले जाओ, हमने नया फर्नीचर खरीद लिया है। मुझ जैसे डॉक्टर के घर में जिसकी तनख्वाह 4-5 रुपए माहवार हो, इतना अमीराना फर्नीचर जचता नहीं। क्या मेरी हैसियत का आदमी इतना कीमती फर्नीचर खरीद सकता है? मैंने इसके पैसे तुमसे तो नहीं मांगे। तो फिर कहां से आए पैसे? ये सारा फर्नीचर मैंने अपने पैसे से खरीदा है। अपने पिताजी के पैसे से? हाँ, अपने पिताजी के पैसे से, वो जो उन्होंने मेरे नाम पे बैंक में जमा किया है। कुसुम, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिताजी से किसी तरह की भी दहेज या डाउरी लेने से इनकार किया हुआ। मगर ये तो पिताजी ने नहीं भेजे ना, ये तो मैं खुद लाई हूँ। एक ही मतलब है, पैसा तो उन्हीं का है। सुशील, तुम्हें क्या हो गया है? क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं इस घर में कोई चीज खरीद के ला सकूं? जब मैं तुम्हारी कमाई के पैसे अपने पैसे समझती हूँ, तो क्या मेरे पैसे तुम्हारे पैसे नहीं हो सकते? ठीक है, लेकिन इसी अस्पताल में दूसरे डॉक्टर भी तो हैं, वो लोग क्या कहें? अच्छा, तो फिर निकाल दो ये सारा फर्नीचर, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ये फर्नीचर। रामो, रामो कहाँ गया? निकाल दो ये सारा फर्नीचर, मुझे नहीं चाहिए, निकाल दो ये फर्नीचर, निकाल दो ये मुझे फर्नीचर, नहीं नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए। तूने भी बेटा सुशील की आज बहस लगा रखी है, अब आ ही गया है घर में सामान तो रहने भी दे, बात का बतंगड़ बनाने से क्या फायदा। आओ बहू चाय पी लो। मुझे नहीं पीना। नहीं बेटी, ऐसे नहीं करते, चलो। हेलो हेलो, मैं हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। आप कौन बोल रही हैं? जी मैं नर्स हूँ, करुणा। डॉक्टर साहब घर पे हैं? हाँ है। जरा उन्हें टेलीफोन दीजिएगा। तुम्हारे लिए अस्पताल से फोन आया है। अस्पताल से? हाँ, तुम्हारी वो नर्स बोल रही है, करुणा। 2 मिनट भी चैन से नहीं रहने देते हैं ये लोग। देखो, अगर अस्पताल में तुम्हें बुला रहा हूँ तो कह देना मैं नहीं आ सकता, मैं इस वक्त बाहर जा रहा हूँ। हेलो, मैं डॉक्टर सुशील वर्मा बोल रहा हूँ। मैं करुणा बोल रही हूँ डॉक्टर। हाँ बोलो, क्या बात है? गिरधारी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, डॉक्टर देसाई ने कहा है आप फौरन चले आइए, शायद ऑपरेशन करना होगा। ओ, डॉक्टर रॉय नहीं है वहाँ क्या? जी नहीं, वो शहर गए हुए हैं।
तुम पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर ले चलो और तैयारी करो, मैं भी आया। नहीं, तुम इस वक्त हॉस्पिटल नहीं जाओगे सुशील, मेरे साथ पिक्चर देखने चलोगे। इस वक्त एक मरीज की तबीयत बहुत खराब हो गई है, शायद ऑपरेशन करना पड़े। दूसरे भी तो डॉक्टर हैं अस्पताल में, वो क्यों नहीं करते हैं? लेकिन ये ऑपरेशन सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ इस वक्त, वो मेरा पेशेंट है। और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, क्या मेरा तुम पर कोई हक नहीं है? क्यों नहीं? तो फिर इस वक्त तुम मेरे साथ पिक्चर देखने जा रहे हो, ऑपरेशन लौट के कर लेना। तब तक तो शायद वो बेचारा मर जाएगा। सुशील, आखिर ये हमारी किस तरह की गृहस्थी है? मैं तो बिल्कुल तंग आ गई हूँ, जब देखो तो हॉस्पिटल, पेशेंट्स, ऑपरेशन, घड़ी भर के लिए भी तुम घर पे नहीं रहते, और जब रहते भी हो तो बीमारों का बुलावा आ जाता है। मैं पूछती हूँ, कभी तुमने चैन से दो मिनट भी बैठकर मुझसे बातें की हैं? सुनो कुसुम, मैं एक डॉक्टर हूँ। आधी रात को भी किसी ने मेरे दरवाजे की कुंडी खटखटाई तो उस मरीज के इलाज को मुझे अपना तमाम चैन और आराम छोड़कर जाना होगा, ये मेरा कर्तव्य है। अपनी स्त्री के लिए भी तो तुम्हारा कोई कर्तव्य है। सो मैं कर रहा हूँ। आपके घर से खाना आया हुआ है, लगा दी? नहीं, खाना नहीं, एक बज गया है, खाना क्या खाऊंगा? कॉफी पिला लो। कॉफी नहीं पियोगी? डॉक्टर सुशील वर्मा को टेलीफोन दो। जरा ठहरिएगा डॉक्टर, आपके घर से फोन है। हाँ कुसुम। मैंने कहा रात आधी हो चुकी है, आपका ऑपरेशन अब तक चल रहा है क्या? वो मरीज की हालत जरा बहुत खराब हो गई थी ऑपरेशन के बाद, उसकी वजह से रुक जाना पड़ा। मरीज का इलाज हो रहा है। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ कुसुम। जवाब क्यों नहीं देते, चुप क्यों हो गए? मैं पूछती हूँ कि घर कब लौटने का इरादा है? मैं भी आ रहा हूँ। ये 22 सितंबर को हमारे हॉस्पिटल को बने हुए पूरे 25 साल हो जाएंगे। हर साल हम सोशल गैदरिंग मनाया करते थे, मगर इस साल हम सिल्वर जुबली मनाएंगे। मैं चाहता हूं कि काफी जोर शोर से जलसा मनाया जाए और बहुत ही अच्छी तरह से मनाया जाए।
शहर के लोगों को बुलाकर उस मौके पर उनसे चंदे की दरख्वास्त की जाए। हेल्थ मिनिस्टर भी आ रहे हैं, हम गवर्नमेंट से भी ग्रांट मांगेंगे। ठीक है, ठीक है। बीमारी कितनी बुरी बला है ये एक बीमारी खूब जानता है, और ये बला गरीब और अमीर का लिहाज नहीं करती। इसलिए आप सज्जनों से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोग दिल खोलकर हमारे इस फंड में चंदा दें। सरकार ने जो ग्रांट दी है उसके लिए मैं सरकार का आभारी हूं, मगर ये रकम इतने बड़े अस्पताल को काफी नहीं होगी। इसलिए हमें आप लोगों की मदद की जरूरत है, हमें बहुत पैसे की जरूरत है। मुझे आशा है कि आप लोग निराश नहीं करेंगे। हाँ सुनिए, आप लोगों के मनोरंजन के लिए अस्पताल के स्टाफ एंड पेशेंट की ओर से एक छोटा सा नाटक पेश किया जाएगा। उस नाटक का नाम है उमर खयाम। उस नाटक के लिए हमारी नर्स शीला आपको बताएंगी। इस नाटक में आप देखेंगे कि मशहूर शायर उमर खयाम किस तरह एक नई रुबाई की खोज तलाश में सर ढूंढता है, किस तरह एक धुंधला सा ख्याल उसके पास आता है और आके छिटक जाता है, और किस तरह वो ख्याल फिर लौटता है। उमर खयाम उस ख्याल को संवारता है, रोशन करता है, और फिर वो ख्याल किस तरह एक खूबसूरत रुबाई की सूरत इख्तियार करता है। देखिए उमर खयाम को अपनी रुबाइयों के साथ। Hey!
मेरा पति गरीब है। पति गरीब है लेकिन पिता तो गरीब नहीं है। नर्स इनसे 100 रुपए से कम मत लेना। आपको शो कैसा लगा? एक्टिंग बहुत नेचुरल थी। रामू कहाँ है? बुलाओ, रहने दो। जा, तू ही जाकर चाय दे भाभी को। लेकिन भाभी तो सो रही है। अभी तक सो रही है, जा उसे उठाकर चाय दे। नमस्ते माँ जी। आ करो ना, तुम अभी गई और मैं अभी तक रसोई से बाहर नहीं निकली। चलिए पैर की मालिश कर दूँ। यही कर दे बेटा। अब कैसा है आपके पैर का दर्द? जब से तुमने मालिश करना शुरू किया है तब से आराम मालूम तो होता है। आप ज्यादा काम करना किया कीजिए। कैसे ना करूं बेटा, घर का काम तो करना ही पड़ता है। रामू, रामू, चाय। चाय तो ये रही भाभी। ये चाय है या शरबत? इतनी ठंडी चाय। चाय तो काफी गर्म थी भाभी, बहुत देर से खड़ी हूँ इसलिए ठंडी हो गई होगी। ये ठंडी चाय मैं कैसे पीऊं? मुझे नहीं चाहिए ये चाय। भाभी ने मेरे हाथ में चाय भेजी। ठंडी चाय लेके आई। ठंडी चाय का मतलब ये तो नहीं है कि तुम बच्चे के मुंह पर ठंडी चाय पी। मैंने इसके मुंह पर नहीं फेंकी, मैंने नीचे फेंकी इससे गिर गई। भाभी झूठ बोल दिए, जानबूझ के मेरे आंख में। खबर यार तू नहीं है वहां के, मैं झूठ बोलती हूं बदतमीज। मैं झूठ बोला का तू? बच्चे तो हाथ नहीं उठाते हैं। अगर तुम्हें गर्म चाय की जरूरत होती है तो सुबह उठा करो और अपने हाथ से बनाकर पिया करो।
आठ बजे तक सुई रहती हो फिर कहती हो कि चाय ठंडी है। मैं सुबह नहीं उठा जाता। चुप कर। मैं सुबह नहीं जा सकता। अरे क्या बात है, क्या हुआ? माँ, भाभी ने मेरी आंख पे गरम गरम चाय पी। झूठ बोलती है। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। चुप रहे, जब देखो तब बात का बतंगड़ बनाती है। क्या हुआ आखिर, ये तेरी भाभी? बस बस जा, रहने दीजिए। इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करने की कोई जरूरत नहीं। क्या कह रही है बेटा? देख लिया माँ, यह है बड़े घर की बेटी। बड़ी सास से बहू बनाकर लाई थी ना तुम, अब बैठ कर आरती उतारो अपनी बहू की। मेरी आरती उतारने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी सास पूरी हो गई है तो मैं खुद चली जाती हूँ। इस दुनिया में एक तुम ही डॉक्टर हो, जब देखो तो काम हॉस्पिटल पेशेंट। तुम्हारे हॉस्पिटल में है तुम्हारी नर्स, तुम्हारे घर में है तुम्हारी माँ बहन, तुम सब लोग ने मिलकर मेरी। बस करो कुसुम। कहाँ जा रहे हो सुशील? अस्पताल। नाश्ता तो करता जा बेटा, पेट भर गया है माँ। अच्छे कट गए। गिरधारी भैया क्या बात है, आज बड़े चुप चुप नजर आते हो। आज ही क्या, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम बहुत उदास रहते हो। हवा ही ऐसी चली है कि जी बहाल नहीं, वगरना हम तो बहुत कम उदास रहते हैं। और बात करूं भी तो किससे, बात करने वाला तो चला गया। कौन? नथू। ओ अब मैं समझा, तुमसे झगड़ने वाला कोई नहीं रहा। क्यों? नथू बहुत अच्छा था, कम अज कम उससे तबीयत तो बहली रहती थी। वो तो चला गया और आज तुम भी जा रहे हैं। हाय हाय, तुम अभी तक बैठे हुए हो? मैं घोड़ा गाड़ी लेकर आई हूँ, बाहर खड़ी है, जल्दी करो। अब तैयार हूँ जी, बिल्कुल तैयार। लो ये हम खड़े हो गए। गिरधारी भैया लो, हमें ले जाने वाले आ गए फरिश्ते। नमस्ते भाभी। नमस्ते। ले जा रही हो आज इन्हें? ले जा भाभी, इनका ख्याल रखना। गिरधारी भैया इनको बीमारी मारी कुछ नहीं है, खामखा बहाना करके एक महीने से यहाँ पड़े हुए। यहाँ खूबसूरत नर्सें मिलती है ना देखने को, इनको देखकर इनकी शायरी में जोश पैदा होता है। और मैं सब समझती हूँ तुम्हारा चोचले। क्या कहती हो बेगम? तो फिर बताओ ना, यहाँ एक महीने से क्यों पड़े थे? जोर से मत बोलो, कहीं फिर से दिल में दर्द उठ गया तो मैं सताता हूँ, तुम बेवा हो जाओगी। बेवा। मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो। हेलो ना। अच्छा ओ भाभी ऐसा बोलो। देखा नर्स, एक लड़ाका पत्नी कैसे अपने पति का जीवन बर्बाद कर देती। अभी तक खड़े हो सिगरेट पी रहे हो? जानते हो 5 बज रहे हैं, क्लब नहीं चलना, आज गाला नाइट है। हाँ हाँ चलते हैं। तो फिर जाओ जल्दी नहा लो। सर जल्दी करो प्लीज। यस हेलो। हेलो, मैं नर्स करुणा बोल रही हूँ। क्यों, क्या बात? डॉक्टर वर्मा घर पे हैं? नहीं है। यस हेलो मिसेस वर्मा, मैं करुणा बोल रही हूँ, डॉक्टर साहब से बात करनी थी। मैंने कह जो दिया है कि डॉक्टर साहब घर पे नहीं है। देखिए सुनिए, एक पेशेंट की तबीयत बहुत खराब हो गई है, फौरन ही ऑपरेशन करना होगा। तो क्या आप बता सकती हैं वो कहाँ मिलेंगे, कहाँ गए हैं डॉक्टर? शहर गए हैं। घबराओ नहीं गिरधारी, जल्दी करो। जी मिर्जा, डॉक्टर वर्मा नहीं आएंगे तो मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। ना हसो हम बेगमा के ठुकराए हुए,
ना हंसो। गिरधारी, हंसो मत। आपका फोन आया।
डॉक्टर वर्मा, गिरधारी की हालत बहुत खराब है, आप फौरन चले आइए। अच्छा, मैं भी आया। मुझे अस्पताल से फोन आया है। अस्पताल जरा बैठो, इतना नाश्ता खाना तो खा ले। मैं नहीं रुक सकता, मरीज की हालत बहुत खराब है। खाना भी नसीब नहीं। उठो जी, जल्दी हाथ तो छोड़िए आप। चलो आगे डॉक्टर। आगे डॉक्टर, डॉक्टर आ गए। ऑपरेशन करना। बहुत देर कर दी डॉक्टर। अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं। मरीज की हालत बिगड़ने की खबर मुझे पहले क्यों ना दी गई? आपको 5 बजे से बराबर फोन किया जा रहा था, मगर आप घर पर नहीं थे। लेकिन मैं तो 6 बजे तक घर पर था, फोन किसने किया? नर्स करोना ने। जी हाँ। उठाया किसने फोन? मालूम है आप बाहर गए हुए हैं। फोन किसने उठाया? मिसेस वर्मा ने। ओहो, आज बहुत जल्द लौट आया अस्पताल से। क्या बात है, ऑपरेशन बहुत जल्दी खत्म हुआ? ऑपरेशन तो क्या, मरीज ही खत्म हो गया। मरीज खत्म है? कैसे? तुमने उसे मार डाला। मैंने? ये तुम क्या कह रहे हो सुशील? अस्पताल से आज शाम को कोई फोन आया था? नहीं तो? तुम झूठ कह रही हो। शाम को करुणा ने अस्पताल से फोन किया था, मगर तुमने मुझे बताया नहीं। अब तुमने से झूठ कह दिया कि मैं घर से बाहर चला गया। मैं तुम्हें बताने भूल गई थी। फिर झूठ, झूठ, झूठ। सुशील, झूठी। तुमने आज मेरे एक मरीज का खून किया है, एक इंसान का खून किया है। तुम खूनी हो, खूनी। हाँ, मैं खूनी हूँ, मैं खूनी हूँ, मैं खूनी हूँ। और ये वक्त मैं तुम्हारा भी खून कर दूंगी, तुम्हारा भी खून कर दूंगी, और तुम्हारी उस नर्स का करुणा का भी खून कर दूंगी। तुमने मुझे मारा, इतना बड़ा अपमान मेरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। मैं इस घर में अब नहीं रह सकती। मैं सुबह कश्मीर जाऊंगी अपने पिता के पास। मैं यहाँ नहीं रह सकती। सुना तुमने, मैं सुबह कश्मीर जा रही हूँ। सुना तुमने? ये क्या कर रही हो तुम लोगों का कलेजा ठंडा कर रही हूँ? कहाँ जा रही हो? कश्मीर अपने पिताजी के यहाँ। अब तुम सब लोग इस घर में सुखी रहो। ऐसा ना करो बहू, अपने बने बनाए गृहस्थी में अपने हाथों आग मत लगाओ बेटा। तो मुझे ये सीख देने की जरूरत नहीं है। सुशील को बुलाना था जाए, रामू के आने तक तुम रुक जाओ। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, एक मिनट नहीं रह सकती। छोड़ दो। ऑपरेशन थिएटर में है, दरवाजा बंद है। माँ जी, अरे दीदी तुम यहाँ बैठे क्या कर रही हो? दीदी पढ़ रही हूँ, आज दिवाली की छुट्टी है ना। चलो चलो, माँ ने तुम्हें घर में बुलाया है। आज नहीं, फिर आऊंगी। नहीं नहीं दीदी, माँ ने कहा है करुणा दीदी को साथ लेकर आओ। छुट्टी? अभी तो वहाँ खेल रही थी, मुझे देखा तो कहा माँ ने बुलाया है। सच कहती हूँ दीदी, जब से भाभी गई है
माँ की तबीयत बहुत खराब है और घर में उदासी छा गई है। और दीदी तुम भी हमारे घर में कितने दिनों से नहीं आई। चलो मैं तो तुम्हें आज यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। चलो आऊंगी मैं। नहीं दीदी मैं नहीं, तुम्हें आज जाना पड़ेगा। चलो 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 चलो। माँ दीदी आ गई। नमस्ते माँ जी, कैसी तबीयत है? ठीक है। तुमने तो यहाँ आना ही छोड़ दिया, बुलाने भेजा तब आई। मुझे तो अभी मुन्नी ने बताया 2-3 दिन से आपकी तबीयत खराब है। पैर में बहुत दर्द है बेटा, वात ने तंग कर रखा है और तुमने भी मेरी मालिश करना छोड़ दिया। नहीं तो माँ जी ये बात नहीं है, अस्पताल में काम ज्यादा आ गया है। जनरल वार्ड में मरीज बहुत हो गए हैं, हर वक्त ड्यूटी पर रहना पड़ा, इसलिए 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 नहीं आ सकी। ना बराबर दवा पीती हैं ना मालिश कराती हैं, तबीयत कैसे ठीक रहेगी? भैया हमारे लिए पटाखे नहीं आए अभी तक। मुझे पटाखे चाहिए भैया। नहीं चाहिए पटाखे वटाखे, तंग मत कर, जा बाहर खेल। नहीं माँ दिवाली हम भी पटाखे जलाएंगे। नहीं हमें नहीं मनानी है दिवाली। क्यों नहीं दिवाली मनानी माँ? मुन्नी पटाखे जरूर फोड़ेगी, तेरे लिए पटाखे मैं लेता आऊंगा। मुन्नी सुनम भैया मेरे लिए खूब सारे पटाखे लाएंगे, खूब सारे। दीदी तुम भी यही रहो ना, आज अपन पटाखे जलाएंगे। माँ जी मैं जाता हूँ। कहाँ? जल्दी से जाकर होटल से खाना ले आओ, फिर चिराग बत्ती का वक्त हो जाएगा। अच्छा जा, पर उस होटल से मत लाना, न जाने दाल में तेल का बघार दिया था या क्या, अजीब स्वाद था। रात सुशील ने बराबर खाया भी नहीं। नहीं माँ ये बात नहीं, रात मुझे भूख बराबर नहीं थी। दूसरे होटल से लाऊंगा माँ जी। आप होटल से खाना क्यों मंगवा रहे हैं? बेटा मुझसे उठकर अब नहीं होता, इसीलिए होटल से। होटल से मंगवाने की क्या जरूरत है, मैं पका दूंगी। तुम रहने दो रामू, रात का खाना मैं पकाऊंगी। तुम क्यों तकलीफ करोगी बेटी? इसमें तकलीफ की क्या बात है, आज दिवाली है ना, मेरी छुट्टी भी है। रहने दो रामू, खाना घर ही में बन रहा है, तू रसोई में जाकर इनकी मदद कर। आप फिक्र ना कीजिए मैं खुद सब कर लूंगी, मुझे खाना बनाना आता है। तुम क्यों फिक्र करती हो माँ, मैं और दीदी मिलकर सब कुछ बना लेंगे, जो दीदी को बनाना नहीं आता है वो मैं बता दूंगी। चलो करो ना। मैं अंधी थी, ऐसी सोना जैसी लड़की सामने होते हुए ये मैंने क्या किया? डरने की क्या बात है, लो ये फुलझड़ी जलाओ।
लो ना। भैया भैया दीदी को भाभी क्यों नहीं बना लिया?
करना। तुम्हें यहां कौन सी ऐसी तकलीफ है जो तुम रिजाइन करके चली जाना चाहती हो? जी, मुझे यहां की आबो हवा रास नहीं आई और मेरा जी भी नहीं लगता यहां। ये तो कोई वजह ना हुई। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर नहीं कर सकता। तुम जैसी अच्छी नर्स को हमारा अस्पताल गंवा नहीं सकता। लेकिन सर, जाओ काम करो और यहाँ जी लगाने की कोशिश करो। देखकर तभी रोती है जब उनका दिल किसी के प्रेम में फूंकता है। बता कौन है वो? करुणा बता दे कौन है। डॉक्टर वर्मा। मगर वो तो शादीशुदा है पगली, तू उनसे कैसे? मैं मर जाऊंगी शीला, मर जाना चाहती हूँ। क्या वो भी तुझे जाने लगे? उनका सामना नहीं कर सकती, सोचा था कहीं चली जाऊंगी, इसलिए आज इस्तीफा भी देना चाहा मैंने, लेकिन डॉक्टर मल्होत्रा ने मंजूर नहीं किया मेरा इस्तीफा। शीला, मैं मर जाऊंगी शीला, मैं क्या करूं? ऐसा नहीं कर सकती तो बता मैं क्या करूं, बता मैं क्या करूं? नर्स बिल्कुल नहीं बोलूंगा, हमेशा के लिए चुप हो जाऊंगा। सुनिए,
आपको बड़े डॉक्टर बुला रहे हैं। यस कम इन। आपने मुझे बुलाया था? हाँ, कैसी हो करो ना? जी अच्छी हूँ। मैं ये पूछना चाहता था कि कुछ दिनों के लिए तुम बाहर जाना चाहोगी? अगर आप जाने दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ज्यादा नहीं, सिर्फ दो चार रोज के लिए मैं तुम्हें बाहर भेज सकता हूँ। तुम्हारे लिए चेंज भी हो जाएगा और हमारा काम भी। जाओगी? कहाँ जाना होगा? यहाँ से लगभग 100 मील पर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर ट्राली के उलट जाने से चंद आदमी जख्मी हो गए। ये तार आया है, मैं अभी एम्बुलेंस भेज रहा हूँ, एक नर्स को भी भेजना जरूरी। तुम जाना चाहो तो जा सकती। जी मैं जरूर जाऊंगी। जल्दी करो, बाहर एम्बुलेंस तैयार खड़ी भी है। जी। और सुनो, सफर के लिए सामान भी साथ लेती जाना। क्या बात है? डॉक्टर मल्होत्रा ने बुलाया था। क्यों? दो तीन दिन के लिए मैं बाहर जा रही हूँ ड्यूटी पर। चलो अच्छा हुआ, जगह की तब्दीली की तुझे बहुत जरूरत है, यहाँ तो तेरा दम घुटा जा रहा है। गुड आफ्टरनून डॉक्टर। गुड आफ्टरनून। देखो कोई गांव आए तो पानी भरा लेना। वो दूर रोशनी नजर तो आ रही है। हाँ गाड़ी वहीं रोक लो, शायद कोई गांव ही तो है वो। पानी मिल जाएगा। जी साहब। तुम उतरोगी नहीं? Oh,
Up
गाड़ी तैयार है साहब, चलो। एक्सीडेंट कैसे हुआ? मैम साहब क्या बतलाएं, हम लोग ट्राली पर जा रहे थे, पहिए की पिन निकल गई और ट्राली लट गई। अब तो तकलीफ नहीं है ना? मैम साहब कमरा खोल दिया है मास्टर साहब। मास्टर बॉय देखो इन सबको एम्बुलेंस में ले जाओ, ड्राइवर को बुला लेना मदद के लिए, इन सबको एहतियात से इनके घर पहुंचा दो। जी और ये सामान भी रख देंगे। आप लोगों को काफी तकलीफ हो रही होगी, अब क्या करें साहब, ये कमरा स्टोर रूम भी है और वेटिंग रूम भी, रात को आप यहाँ आराम कीजिए देवी जी, और आपके लिए यहाँ बिस्तर लगवा दिया है, जंगल का मामला है साहब, मजबूरी है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा मैं चलूं, 4 बजे फिर आना है, डाक गाड़ी पास होती है। नमस्ते।
दोनों फेफड़े काम नहीं कर रहे। प्लास्टर बदल दिया जाए? हाँ, बदल दो प्लास्टर। इंजेक्शन तैयार है? जी। दे दो। अब कैसी तबीयत है डॉक्टर साहब? अलग नहीं रह सकती। कितनी भयानक आग, ये आग है जमीन से आसमान तक, इसमें तुम जल रही हो, मैं जल रहा हूं। करुणा, करुणा, कितनी ऊंची है दीवार जो नहीं गिरती। अस्पताल से बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं इनका अफसर ही नहीं, मैं इनका डॉक्टर भी और मैं इनकी बीवी हूं। मैं इन्हें साथ ले जाऊंगी, देखते क्या होता है। चले आओ। अगर इन्हें हवा लग गई और कुछ हो गया तो याद रखिए इसकी जिम्मेदार आप हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी खुद समझती हूँ। आपकी मर्जी। लाओ इनको चचा।
ड्यूटी पर नहीं आई? वो तो हॉस्पिटल छोड़कर चली गई। कहां गई? मुझे नहीं पता। जाने कहाँ गई, जाने कहाँ गई, जाने कहाँ गई, दिल मेरा ले गई वो, जाने कहाँ गई, जाने कहाँ गई। क्या हो गया धड़कने रह गई दिल जुदा हो गया है दिल जुदा
जुदा हो गया, जाने कहाँ गई, दिल मेरा ले गई वो, जाने कहाँ गई, जाने कहाँ गई। टूटा हुआ दिल का ये साज है, अब वो नगमे कहाँ, सिर्फ आवाज है, सिर्फ आवाज है, जाने कहाँ गई, दिल मेरा ले गई वो, जाने कहाँ गई, जाने कहाँ गई। घुटता रहता ना दम, जान तो छूटती, काश कहता कोई वो मोहब्बत न थी, है वो मोहब्बत न थी, जाने कहाँ गई, दिल मेरा ले गई वो, जाने कहाँ गई, जाने कहाँ गई। खुद देख जा, अब तेरे हाथ है, जीना मरना मेरा है, जीना मरना मेरा, जाने कहाँ गई, दिल मेरा ले गई वो, जाने कहाँ गई, जाने कहाँ गई, दिल मेरा ले गई वो, जाने कहाँ गई, 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 जाने कहाँ गई। साहब, ओ साहब, बख्शिश मिल जाए साहब, आप ही लोगों का सहारा है साहब। भगवान आपका भला करे साहब, आपकी जोड़ी सलामत रखे। सलाम साहब, सलाम, सलाम। करुणा, शीला, करुणा अस्पताल छोड़कर चली गई। जी। कब गई? उसी रात जिस रात आपकी श्रीमती जी ने उसे तमाचा मारा था। तमाचा मारा था? किसने? कुसुम ने? क्यों? क्योंकि बीमारी की हालत में आप बहुत कुछ बोल गए थे और मिसेस वर्मा ने वो सब कुछ सुन लिया था। मगर करुणा कहाँ गई? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें मालूम है शीला, मगर तुम बताना नहीं चाहती हो। डॉक्टर, करुणा पहले ही बहुत दुखी, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप उसका पीछा ना करें। मैं पूछता हूँ शीला, बताओ करुणा कहाँ गई, बताओ, बताओ शीला, बताओ। मोतीपुर वाले सेनेटोरियम में काम कर रही हूँ।
तुमने रिजाइन कर दिया? मैं पूछती हूँ, तुमने रिजाइन कर दिया? नहीं। क्यों नहीं? मैंने सुबह तुमसे कहा था कि रिजाइन कर दो। मैंने सुना था, लेकिन मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते? तुम मेरे साथ कश्मीर चले चलो, हम वहीं रहेंगे। मैं अस्पताल को नहीं छोड़ सकता, मेरा इसके साथ गहरा रिश्ता है। अस्पताल से गहरा रिश्ता है या उस नर्स करुणा से? वो इस अस्पताल को छोड़कर चली गई है। चली गई? उस रात जब तुमने उसे तमाचा मारा था, तो तुम्हें पता चल गया? कहाँ गई? मुझे बता के नहीं गई। फिर भी तुम्हें पता तो चली गया होगा। सुना है कि मोतीपुर वाले सैनिटोरियम में काम कर रही है। कहाँ? मोती वो यहाँ से 13 या 14 मील की दूरी पर है। उसके लिए सारा हिंदुस्तान बड़ा था। बंबई, कलकत्ते, दिल्ली, मद्रास और कहीं भी जा सकती थी, दूर जा सकती थी, मगर नहीं गई। तो एक खूबसूरत ताकि तुम लोग दोनों छुप छुप कर मिल सको, रंगरंगे बना सको। क्यों? सर, हमें मिलने मिलाने की कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब यह है कि वो तुम्हारे दिल में उतर चुकी है, तुम्हारे खून में रंगी हुई है, तुम्हारे रग रग में बसी है, और अब तुम उसे सारी जिंदगी नहीं जा सकते। वो तुम्हारे और मेरे दरमियान एक दीवार बनकर खड़ी हो गई। क्यों? कुछ और गाड़ी में बैठ जाओ। कहिए। मुझसे कुछ कहना चाहती थी? हाँ। क्या कहना चाहती हैं आप? अपने बारे में, अपने पति के बारे में, हमारी जिंदगी के बारे में। कहिए। तुमने हमारी जिंदगी को तबाह कर दिया। तुम हम दोनों के दरमियान एक दीवार बनकर आई हो। दीवार बनकर मैं नहीं आई। आपके आने से पहले मैं उन्हें जानती थी। मगर सुशील मेरे पति हैं। जानती हूँ। आप फिक्र न कीजिए, मैं उनसे कभी कभी नहीं मिलूंगी। मगर वो तो तुमसे मिलेंगे, वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। तुम भी उनसे मोहब्बत करती हो? तो तुम्हें उन्हें भुलाना होगा। प्रेम भुलाने से भुलाया जा सकता है क्या? हाँ, तुम यहां से कहीं दूर चली जाओगी तो भूल जाओगे। मिसेस शर्मा, मैं कहीं भी चली जाऊं, कहीं भी रहूं, उन्हें कभी नहीं भुला सकती। कभी नहीं? ये नहीं हो सकता है, ये नहीं होने दूंगी। अगर मेरी जिंदगी में सुख नहीं है तो मैं किसी को सुखी नहीं।
हूँ।